क्योंकि इस लेक्चर में एक इम्पॉर्टेंट रिएजेंट है Ag2O। तो Ag2O का अगर कंडीशन बदलता है तो वो अलग अलग तरीके से न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करना शुरू करता है। ऐसे मान लो कि अगर मॉइस्ट Ag2O होगा तो क्या होगा और ड्राई Ag2O होगा तो क्या होगा, तो उनका रिएक्शन किनके साथ करा रहे हैं, अल्काइल हैलाइड के साथ करा रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, मॉइस्ट Ag2O अगर होगा तो मतलब क्या, Ag2O के साथ वाटर भी होगा, तो Ag2O प्लस वाटर रिएक्ट करता है, क्या बना लेता है, AgOH। अब AgOH में ये आयोनाइज हो के Ag प्लस और OH माइनस, मतलब इन शॉर्ट मॉइस्ट Ag2O में न्यूक्लियोफाइल क्या प्रेजेंट होगा, OH माइनस, ठीक है। अब ड्राई Ag2O में तो वाटर की अवेलेबिलिटी होगी नहीं, तो उस केस में अगर हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक साइट की, तो एक ही न्यूक्लियोफिलिक साइट हो सकता है ऑक्सीजन का लोन पेयर, मतलब Ag2O में लोन पेयर जो होगा ऑक्सीजन आइटम का, वही बिहेव करेगा कैसे, न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब मैकेनिज्म देखो, ऐसे मान लो कि RX है और RX के साथ हमको रिएक्ट कराना जा रहा है मॉइस्ट Ag2O, मॉइस्ट Ag2O को रिप्लेस कर सकते हैं कैसे, AgOH के जैसा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का जो लोन पेयर होगा, ठीक है, वो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर यहाँ पे हमें दिख रहा है, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर, ठीक है, इस पर अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा, तो क्या बन जाएगा, ROH प्लस AgX, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लो ड्राई Ag2O होगा, तो ड्राई Ag2O में हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जा रहा है, ईथर, ठीक है। अब देखो ईथर तुम्हारा कैसे फॉर्म कर रहा होगा समझना, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर, ये अटैक किया, यहाँ से एक्स को बाहर निकाला, तो क्या बन गया, ओपे प्लस। अब ओपे प्लस का स्टेबिलिटी तो बहुत कम होगा, तो वो क्या करेगा, तुरंत सिल्वर से अपना इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा। देखो यहाँ पे सिल्वर से क्या कर, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा, तो सिल्वर यहाँ से कैसे निकला, Ag प्लस के फॉर्म में, यहाँ से Ag प्लस के फॉर्म में निकला और यहाँ से एक्स माइनस के फॉर्म में निकला, तो Ag प्लस एक्स के साथ तुरंत मिलकर क्या बना लिया, AgX, ठीक है। अब हमारा क्या बन गया प्रोडक्ट, ROAg, तो ROAg बन गया। अच्छा, ROAg में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा तो वह ऐसा न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, और वो क्या किया, अटैक किया RX पे, तो R पे अटैक किया, यहाँ से X को बाहर निकाल लिया, तो क्या बन गया, ROR बन गया, तो ROR बन गया, ठीक है। अब प्लस AgX यहाँ पर भी बन जाएगा, ठीक है, तो प्लस यहाँ पे AgX फॉर्म कर जाएगा, ठीक है। तो इसको पहले नोट करो और फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इससे रिलेटेड हम लोग रिएक्शन करेंगे, ठीक है, इसको नोट करो। तो अभी जो हमने रिएक्शन किया, उस रिएक्शन के बेसिस पे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी आप मॉइस्ट Ag2O का रिएक्शन कराते हो अल्काइल हैलाइड के साथ, देन यू विल गेट अल्कोहल। लेकिन अगर आप ड्राई Ag2O का रिएक्शन कराते हो किसी अल्काइल हैलाइड के साथ, तो फिर आपको मिलता है ईथर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग CH3Cl, ठीक है, मॉइस्ट Ag2O के साथ करा रहे, ड्राई Ag2O, तो मॉइस्ट Ag2O के साथ आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3OH। लेकिन ड्राई Ag2O के साथ क्या बनेगा, इसका कपलिंग हो जाएगा ईथर के जैसा, CH3OCH3। इसका मैकेनिज्म तो हमने देख लिया किस तरह से फॉर्म करता है, एकदम सेम वे में उसी तरह से प्रोसीड करना है। मॉइस्ट Ag2O में यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3CH2OH, और ड्राई Ag2O में CH3CH2OCH2CH3। तो यहाँ ईथर बन गया, यहाँ पे आपका अल्कोहल बन गया, ठीक है। अब जैसे मान लो कि OH है, PCl5 के साथ रिएक्शन कराने बोल रहा है, PCl5 के साथ यहाँ पे OH हटेगा और क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3CH2CH2 और Cl। अब उसका रिएक्शन बोल रहा है मॉइस्ट Ag2O के साथ, तो मॉइस्ट Ag2O के साथ क्या बन जाएगा, CH3CH2CH2OH बन जाएगा, और ड्राई Ag2O के साथ क्या बन जाएगा, CH3CH2CH2OCH2CH2 एंड CH3, ठीक है। उसी तरह से HCl के साथ रिएक्शन, अभी हमने तुरंत पिछले लेक्चर में हमने इसे पढ़ा है कि अल्कोहल का रिएक्शन विद HX, ठीक है, तो ये रीअरेंजमेंट के साथ भी जा सकता है। तो सबसे पहले तो कार्बोकैटायन यहाँ पे बनेगा, फिर ये रीअरेंज होगा 2 डिग्री, मतलब यहाँ पे Cl लग जाएगा। तो एक बार इसको आप अपने से बना के ट्राई करना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे बन जाएगा Cl, ठीक है। अब उसका ट्राई Ag2O के साथ रिएक्शन है, तो ट्राई Ag2O के साथ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ओ, और मॉइस्ट Ag2O के साथ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार ये इस क्वेश्चन का पूरा मैकेनिज्म एक बार अपने से कोशिश करना बनाने का, ठीक है, जो हमने पढ़ाया बिल्कुल उसी तरह से सेम मैकेनिज्म इसको फॉलो करना है। तो ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जितना भी एप्लीकेशन था, उसका ये आपका लास्ट पार्ट था, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, थैंक यू।